So let's begin. So it's a session dedicated to thinkers. Again, it's a session dedicated to whoever want to become a better thinker, like we covered in the creating thinking earlier. The hallmark of a good thinker is he is able to use both the skills, which is analysis and also design. We have been habituated to think in terms of analytical way. लेकिन डिजाइन का हम लोगों को आदत नहीं है अभी तक. इट्स नॉट अ बिल्ट इन प्रैक्टिस. डिजाइन के लिए डेलिबरेटली हमको काम करना पड़ता है. सो एडवर्ड डिबोनो इज द साइंटिस्ट और द पर्सन हु वर्क द लॉट इन टर्म्स ऑफ लेटरल थिंकिंग. टुडे इज अनदर सेशन विच विल कवर सम थिंकिंग स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब एक पैटर्न और अ प्रोसेस और अ सिस्टम टू फॉलो. जैसे एक चेकलिस्ट है आपके पास. फॉर ऑल कंटिजेंसी यू कैन हैव अ चेकलिस्ट. आग लगेगा तो ये वाला चेकलिस्ट फॉलो करेंगे, राइट? बिजली गिरेगा तो ये वाला करेंगे, या थेफ्ट हो जाएगा तो ये वाला फॉलो करेंगे, राइट? इस तरह से स्ट्रक्चर थिंकिंग में स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. थिंकिंग इज अ वेरी वेरी वाइड टॉपिक. क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑल्सो अ वेरी बिग टर्म. फिर उसमें लेटरल थिंकिंग है, पैरेलल थिंकिंग है. देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स दैट यू कैन लर्न. देर आर सम थिंकिंग हैबिट्स दैट वी कैन डेवलप. तो आज का सेशन, I hope it will help you to know more about thinking patterns and structures, and we are going to be covering thinking principles also. Let's get started. Thinking step by step. So today's, as I said, structure ka matlab hota hai repeated process ya pattern. To thinking chuki bahut wide hota hai aur ye brain level pe hota hai, right? जब हम लोग टेंजिबल कोई काम करते हैं, हम कुछ उठा के रखते हैं, कुछ लेकर आते हैं, खाना बनाते हैं, लिखते हैं, तो ये सब टेंजिबल चीज़ें होती हैं. बट थिंकिंग में कैसा होता है? थिंकिंग में वी आर मोस्टली इनसाइड अवर ब्रेन्स. वी आर इन अवर डे ड्रीमिंग, राइट? वी आर इन अवर थॉट्स. अनलेस यू जॉट इट डाउन, अनलेस यू बेसिकली डूडल इट, अनलेस आप उसका कुछ विजुअल बनाते हैं, कुछ रिटर्न में लिख के रखते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, अदरवाइज इट इज़ जस्ट ऑल डे ड्रीमिंग, इट्स जस्ट इन योर. तो ये स्टेप बाय स्टेप पैटर्न्स क्या करते हैं? ये स्टेप बाय स्टेप, इट्स लाइक स्टेप्स यू कैन फॉलो. एज आई सेड, कंटिंजेंसी चेकलिस्ट. सो वी आर गोइंग टू बी कवरिंग सम थिंकिंग स्ट्रक्चर्स दैट वी कैन यूज इन अवर रेगुलर लाइफ्स डे टू डे. क्या क्या होता है और कैसे हम उसको स्टेप बाय स्टेप वे में देख सकते हैं. इट्स लाइक अ चेकलिस्ट सॉल्यूशन फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स. लाइफ में क्या क्या होता है, ठीक है? और थिंकिंग प्रिंसिपल्स उसके बाद हम फिर देखेंगे, लाइक ओवरऑल basically a dozen principles or so, or 10 to 12 principles that helps you become a better thinker overall. To ek thinking structures mein isme yahan pe diya hai, that is arguments, right? Arguments kya hota hai? To arguments mein kya hota hai, ye day to day basis pe hota hi hai, theek hai? To arguments ya day to day life mein bhi hamare hota hai, routine mein kabhi hota hai, kabhi hum kisi ke sath baat karte hain. To arguments mein kya hota hai, basically ego becomes heavy. And you forget all about thinking, and you forget all about your calm, and you become angry, typically. And you start defending your ego immediately. So, iski wajah se kya hota hai? Arguments and disagreements jab hote hain, to we can basically positively take them ahead with the thinking procedure. But hum aisa karte nahi hain, kyunki ek to training nahi hai, two, we are too much heavily lifted by the ego. हम लोग उसमें अटक जाते हैं. तो आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू अ पॉजिटिव सिचुएशन. कैसे कर सकते हैं ये? तो ये एक थिंकिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है? लेट्स सी व्हाट इट इज. यूज रेड हैट. तो कुछ लोगों ने रेड हैट वाला अटेंड किया था, सिक्स थिंकिंग हैट्स वाला. हम एक और करेंगे सिक्स थिंकिंग हैट्स पे सेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रेड हैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विदाउट जस्टिफिकेशन इन अ production standpoint. In a normal corporate meeting, you can share your intuition, you can share your feeling. I feel putting on my red hat, I feel ye project mein kuch problem hai. Yeah, putting on my red hat, I feel this will not work. So aap feelings bata sakte hain without getting into ego using the red hat. To ek ye simple solution hai. Each of these can be thought of as a technique, or you can maybe apply all of them or any one of them. और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम. तो आप सिर्फ रेड हैट यूज करके डिसआर्ग्यूमेंट डिसएग्रीमेंट से बाहर आ सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? सो व्हेनेवर देयर इज अ डिसआर्ग्यूमेंट और
my bad, disagreement or argument, what you can do, you can put on your red hat and express your feelings that I am feeling so and so. Okay. Then there is another word thing is choice of words. So choice of words mein hame pata hai. We start using various kinds of words, right? Which are basically derogatory terms. Ya phir kya hota hai? Hum kuch emotional comments pass karte hai. Jaise, you look silly with this dress, right? So itka matlab kya hota hai ki I think you look silly with this dress. So it's a personal perception. But hum kya karte hai? We give it such adjectives and we make it sound true. So words ka bahut importance hota hai argument mein. You have to choose your words carefully, and there are some words which represent emotional feeling only. They don't convey a value-based meaning, but they only convey the emotion of the person saying it. So wo words ko hum avoid kar sakte hain if you want. Then there are something called as perceptions, values and logic. So perceptions, values or logic mein kya hota hai? Perception अलग अलग होता है एक सिचुएशन को देखने का. तो आप क्या कर सकते हैं, आप perceptions को parallelly रखते हैं. You say these are my perceptions, and number one, number two, these are your perceptions, number three, these are my perceptions as you see them. Now let's put them in parallel and resolve this. So it is with values. है ना, जैसे मैंने एक स्टूडेंट का एग्जांपल बताया था. स्टूडेंट्स वांट्स टू कम होम लेट बिकॉज ही वांट्स टू प्ले मोर, बट पेरेंट्स वांट स्टूडेंट टू कम अर्ली, देयर चाइल्ड टू कम अर्ली बिकॉज दे वांट हिम टू ईट ऑन टाइम एंड सो ऑन एंड सो फॉर बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स. वैल्यूज आर डिफरेंट. ठीक है, सेम इज लॉजिक कि मेरा लॉजिक ये है, आपका लॉजिक ये है, मस्ट दिस फॉलो, कैन द टू व्यूज बी रिकॉन्साइल्ड. एंड लास्ट वन इज डिजाइन अ वे फॉरवर्ड. तो कई बार क्या होता है कि दोनों इसमें आर्ग्यूमेंट में दोनों ही तरीके से वन साइडेड परसेप्शन है, एंड ईदर ऑफ देम, चूजिंग ईदर ऑफ देम विल नॉट, इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन. सो इन दैट केसेस यू हैव टू डिजाइन अ वे फॉरवर्ड. दोनों को रिकॉन्साइल करके रखते हैं आप, और फिर एक ऐसा वे बनाते हैं जिसमें विन विन होता है, विन विन सिचुएशन. ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट के बारे में हमने थोड़ा सा देखा कि कुछ तरीके की चीजें हम कर सकते हैं इफ वी पुट दिस थिंकिंग स्ट्रक्चर इनटू प्रैक्टिस. और कुछ चीजें होती है, राइट, प्रॉब्लम्स एंड टास्क. तो प्रॉब्लम्स एंड टास्क में क्या होता है, प्रॉब्लम इज समथिंग दैट कम्स टू अस एंड टास्क इज समथिंग दैट वी क्रिएट फॉर आवर सेल्व्स. है ना, प्रॉब्लम यानी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपको सॉल्व करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, उसको ब्रिज बनाना पड़ता है. टास्क के केस में यू पुट योरसेल्फ इनटू सम प्रॉब्लम टू सॉल्व. लेट्स सी व्हाट आर दे. प्रॉब्लम्स आर प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड अराउंड. सो व्हेन यू लिव योर डे टू डे लाइफ और यू अप्रोच पीपल और यू गो थ्रू विद योर डे टू डे एक्टिविटीज, आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट. यू हैव टू यूज देम, यू हैव टू सॉल्व देम इन ऑर्डर टू गो अहेड. फ्रॉम ए टू बी यू नीड टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स, फ्रॉम बी टू सी यू हैव टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स. डे टू डे बेसिस पे ये होता है. एंड टास्क ऑन दी अदर हैंड आर समथिंग वी क्रिएट फॉर आवरसेल्फ्स. टास्क आर प्रॉब्लम्स वी सेट फॉर आवरसेल्फ्स. टास्क मतलब छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटे छोटे आप टास्क अपने आप को देते हैं कि ये मैं करूंगा, ये इतने बजे तक करूंगा. हमने और सेशंस में भी जैसे देखा था टाइम मैनेजमेंट में, आप बताते हैं अपने आप को, वी क्रिएट अ रूटीन, ये करना है या ये स्टॉप वॉच. द डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम्स एंड टास्क इज डू यू हैव टू डू दिस वर्सेस डू यू वॉन्ट टू डू दिस. तो अगर वॉन्ट है तो टास्क है, आपको करना पड़ रहा है, तो दैट इज लाइक अ प्रॉब्लम दैट यू सॉल्व. बट इन एनी केस यू नीड अ सोल्यूशन, राइट, वेदर इट इज अ टास्क और वेदर इट इज अ प्रॉब्लम, आपको सॉल्व करना है. तो देखते हैं हम कि डिसीजंस और चॉइसिस किस तरह से फिर कर सकते हैं. डिसीजंस और चॉइसिस में क्या होता है, यू हैव यू फाइंड योर सेल्फ एट द क्रॉस रोड्स ऑफ लाइफ where you have to take a decision. There are minor decisions, there are major decisions. ठीक है, decisions में क्या होता है, there are three alternatives. You are stuck with typically three alternatives. I have no idea what to do. That is the first situation. एक problem आई और हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है. We are completely lost. We don't know. Then a little better solution. Think of these 1, 2, 3 diagrams as A, B, C maybe.
ठीक है, लेफ्ट वाला आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू, दिस कुड बी वन ऑप्शन टू योर प्रॉब्लम. आपको जो प्रॉब्लम या टास्क है, यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो सॉल्यूशन विद. सेकंड पॉसिबिलिटी इज देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन और देयर इज ओनली वन कोर्स ऑफ एक्शन. आपको पता है कि इसका एक सॉल्यूशन आपको पता है दैट यू कैन एग्जीक्यूट. इट मे बी डिफिकल्ट, इट मे बी इजी, it may be long or it may be short or require lots of cash, basically it does not matter. Aapko ek solution pata hai, aap kar sakte hai. This is possibility B. And option C is there are several alternatives. C is much more controllable position you have. C is far better option because you have several alternatives. So ye kaise hota hai? Ye step by step hota hai. Jaise generally hame koi problem aaya to we typically are at position first, which is I have no idea what to do. यहाँ से हम टिपिकली स्टार्ट होते हैं. किसी भी सिचुएशन में आप फंसते हैं या कोई टास्क आपके लिए चैलेंज होता है, टास्क के केस में यू मे बी नोइंग सम आइडिया, बट इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम टिपिकली यू डोंट नो इन द बिगिनिंग माइंडसेट. तो मोस्ट ऑफ द पीपल गेट स्ट्रेस्ड हियर इटसेल्फ. तो फर्स्ट लेवल पे ही लोग, बहुत सारे लोग स्ट्रेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे यू हैव नो कंट्रोल, यू हैव नो आइडिया, इट्स कंप्लीट ब्लाइंड स्पॉट. बट देन यू अप्रोच इट, राइट, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, यू डू सम रिसर्च, you talk to some people, आप उस पर रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, तो आपको पता चलता है हाँ ये कर सकते हैं, कुछ एक रास्ता आपको मिलता है उसको करने का. Then you are at position B. You have moved from left to middle, जहाँ पे you have more control and you can drive the problem forward or towards a solution because you know one way to solve it. Then if you continue on the this thinking journey or creative journey or you keep on looking for alternatives, तो एक टाइम ऐसा आता है अगर आप और रिसर्च करते हैं समझो उसी प्रॉब्लम पे, दो तीन दिन और लगे रहते हैं या और ज्यादा डिटेल में काम करते हैं, यू आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड विद वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन दैट यू गॉट, आप उस पर और काम करते हैं, तो आपको पता चलता है देयर आर सेवरल अल्टरनेटिव्स. एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि कुछ भी नहीं है, फिर पता चला एक सॉल्यूशन है, फिर पता चला बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो ये कब पता चलता है? व्हेन यू डोंट गिव अप, व्हेन यू कंटिन्यू टू लुक फॉर बेटर or more alternatives, which is a part of creativity, which is a part of practical thinking. ठीक है, decisions कैसे होते हैं? Emotions of greed, fear and laziness contribute to most of our decisions. In fact, I'll say इसमें भी सबसे ज्यादा fear से होते हैं decisions, and then remaining I think 20-30% should be laziness and greed. तो जब डिसीजंस के वक्त आप ये समझ सकते हैं कि वेन एवर यू स्टार्ट विद एनी प्रॉब्लम, यू आर इनिशियली विद दीज चॉइसेस, देन यू कंटिन्यू टू वर्क, यू गेट वन कोर्स ऑफ एक्शन, यू कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट मोर एंड मोर फॉर अ फ्यू मोर डेज और लेट्स ए फ्यू मोर आवर्स फॉर सम प्रॉब्लम्स, यू आर देयर विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, तो दिस इज फॉर डिसीजंस एंड चॉइसेस, वी विल सी मोर फर्दर. Selecting alternatives में भी एक checklist था यहाँ पे दिया है, तो this is also a thinking structure कि अब जब alternative select करते हैं तो you can follow these steps basically. What is the objective? तो thinking में क्या होता है, whenever you are looking for ideas या whenever you are looking for alternatives, there is always an objective in your mind. You want to serve something, you want to give a value. तो आप उस objective के हिसाब को देखते हैं, पहले वो लिखते हैं which is what is my objective, then you check the feasibility, whether this alternative is feasible, then you look on the priorities. Once you have a couple of alternatives, aap uski list banate hain, prioritize karte hain, then you look for values. There is a general assessment that you can do in the end, putting a red hat for example, ke in the end jaise sab kar liya, we did user stories or we did whatever, fir hum poochte hain theek hai abhi kaisa lag raha hai sabko, like how do you feel, then someone will say okay I feel it was good. Okay. That's like a general assessment. Putting on a red hat, and there are other tools to do general assessment. And then action. Action matlab kaun sa alternative ab lena hai? What is the course of action now? Aapne puri brainstorming kar li, but then what next? What should you do? To abhi jo action lena hai, wo aap likh ke rakhte hai. Aur we go to that. From pehle zero alternatives the hamare paas, jab koi problem aaya, koi task aaya, we didn't have anything at our hand, I have no idea what to do situation, then humne thoda sa kaam kiya uspe, then you are with left with one solution now,
एंड देन यू डिड सम प्रोसेसेस, जैसे अलग अलग चेकलिस्ट हम देख रहे हैं पीछे, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया एंड देन द मीनिंग ऑफ इट एंड देन सेलेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स का, दिस इज वन चेकलिस्ट, वी विल सी सम मोर. इनमें से कुछ स्टेप्स या सारे स्टेप्स लगा के आपने यू जनरेटेड सम मोर ऑल्टरनेटिव्स. नाउ व्हेन यू हैव मोर ऑल्टरनेटिव्स, यू अगेन इन द एंड यू डिसाइड एन एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर अप्लाइंग प्रायोरिटीज, वैल्यूज, लाइक व्हाट वैल्यूज आर वैल्यूएबल फॉर मी, उस हिसाब से आपके कुछ अल्टरनेटिव्स फिल्टर हो जाएंगे एंड देन इन द एंड यू टेक एक्शन. ठीक है, लेट्स सी. सो देयर इज अनदर चेकलिस्ट फॉर माइनर डिसीजंस. तो माइनर डिसीजंस यानी कि व्हाट स्कूल टू चूज, व्हाट रेस्टोरेंट टू ईट इन, व्हाट प्रोडक्ट टू बाय, व्हाट क्वालिटी टू बाय, आई डोंट नो व्हाट क्लोथ्स टू बाय, सम लॉट्स ऑफ सिंपल एंड माइनर डिसीजंस ऑफ लाइफ. सो सम ऑफ द वी कैन अप्लाई सिक्स थिंकिंग हैट्स फॉर दिस. One need not be in a group meeting only or a corporate meeting environment only to be applying six thinking hats technique, whereas it can be applied on an individual basis as well. Jaise humne discuss kiya tha, one can become creative by applying these techniques on their own, maybe completely for a few minutes. Then there are attention directing tools. Now some tools are mentioned here. Maybe us pe session hua nahi hai. There is a session planned on all these new techniques also. Some of the techniques we saw during our creative thinking session earlier, which were like the power of pause or the power of provocations. Okay. Then generating alternatives. Then the power of focus. Okay. Then movement. Okay. Or let's say random input. So these techniques kuch pichle isme aaye the. There are a lot more techniques. Some of the new techniques are mentioned here. These are attention directing tools. These are used as a court syllabus, court thinking syllabus in various schools by edwarddebono, this thing also. So PMI is plus points, minus points, interesting points. So uska ek sequence yahan pe diya hai ki ye, we'll learn about these tools in another session in more detail. But just remember that each of these attention scanning tools, attention direction tools can be used for any of the minor decisions. ठीक है, तो ये tech tools के बारे में एक और session में हम सीखेंगे. Now let's see, there is a checklist, full on checklist for major decisions. So major decisions are major decisions, as you may guess. These are more critical decisions. तो इसमें क्या होता है? This could be business decisions where lots of money is involved. Or this could be health related decisions, or this could be other very critical decisions. Okay. Let's say changing a country, for example, to live, or I don't know, to change the job even, could be a critical decision in most of the situations. So iske liye bhi ek checklist we can do. There is an objective and priority technique, which is AGO, which we will study in one more session. There are then all these steps you can apply individually. Benefits, yellow hat represents benefits, yellow hat represents sunshine and optimism for anything. So you can think of the benefits, you can think of the feasibility. Then there are difficulties and basically dangers. It's like the black hat, the caution hat you can apply. Then there is impact and consequences. What is the impact it is going to create? आप जो decision ले रहे हैं, उसके जो alternatives हैं, उसमें से आप जो choose करते हैं, उसका क्या impact होगा on the society? Later, but on my life and on my family's life, let's say first. Then, basically bigger impact, if there is any. Okay. Then cost, money, time and energy. Cost is not just money. आप कोई decision लेते हैं ना, तो कई बार, what happens? We just calculate the costs. Say you are relocating to another city. So what you will do? You will calculate the relocation cost. But is that all? Because companies में हम shifting करते हैं तो some companies even have this reimbursement points. Okay, relocation. उसमें क्या होता है आपका travel, packers and movers and some tickets they give. But is that all cost to you? Who is shifting? No. Basically it's your time and energy as well, right? So that is also cost. So you have in decisions में, like this decision is going to cost me some money. This decision is going to cost me a lot of time. And this decision is going to cost me a lot of energy. This check you have to do in terms of cost, not just money. Then there is risk, associated risk with every decision. कई सारी चीजें हम assume करते हैं
कि ये होगा इन फ्यूचर, सो आई एम टेकिंग दिस डिसीजन नाउ, बट फ्यूचर में होगा क्या, वी डोंट नो, सो देयर इज अ रिस्क यू आर टेकिंग. तो वो एक्सप्लिसिटली हमें पता नहीं है, हमने वर्ड्स में खुद को बताया नहीं है. चेकलिस्ट का क्या फायदा होता है, जैसे मैंने बताया था, वी बेसिकली गेट थिंग्स डन. सी यू नो एवरीथिंग इन द माइंड, हमें पता होता है, बट इफ यू हैव अ चेकलिस्ट और इफ यू हैव अ पैटर्न टू फॉलो, या आपके पास एक प्रोसेस है सिंपल, तो बेसिकली थिंग्स डोंट गेट मिक्स्ड. एंड देन यू आफ्टर सम टाइम प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, यू बिकम हैबिचुएटेड, फिर वो हैबिट बन जाता है. यू डोंट हैव टू लाइक टेक आउट द चेकलिस्ट एवरी टाइम. आपको पता है कि ये चार पांच चीजें मेरे को देखनी है, ठीक है. रिस्क इज देयर विद अ लॉट ऑफ डिसीजंस दैट यू टेक नाउ विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर, विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रिस्क. देन ट्रायल एंड टेस्टिंग, तो ये बिजनेस डिसीजंस के साथ ज्यादा एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल, हम ऐप बनाते हैं या POCs करते हैं, MVPs बनाते हैं, वी हैव मॉकअप्स, राइट? सो विद दिस वी डू लॉट्स ऑफ ट्रायल एंड टेस्टिंग. वी मे हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, वी मे हैव टू डू न्यू मॉकअप्स एंड ऑल, इट्स रिलेटेड टू दोस काइंड ऑफ डिसीजन. बेसिकली सम ऑल्टरनेटिव्स यू आर गोइंग चूजिंग फॉर अ फ्यूचर रिलीज और डिप्लॉयमेंट, यू मे वॉन्ट टू डू सम ट्रायल एंड टेस्टिंग बिफोर टू सी इफ द बेसिकली कॉन्सेप्ट कैन बी डेमोड और फिजिबल और वर्केबल, ठीक है. लेट्स डू टाई ब्रेकर. टाई ब्रेकर क्या होता है कि कई बार ये भी बहुत किसी को ज्यादा लगेगा, राइट? मेजर डिसीजन, माइनर डिसीजन, कितना फॉलो करने का, देर आर सो मेनी थिंग्स, सो यू मे फॉरगेट. तो टाई ब्रेकर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि सारे इसमें लगा के भी वी डोंट हैव अ डिसीजन, तो कई बार एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है. यू नो बेसिकली डाई विद थिंकिंग. तो इतना ऐसा कभी कभी होता है. तो देर इज अ सिंपल रेड हैट फॉलोड बाय ब्लैक, यू कैन अप्लाई, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक. लाइक जैसे हम पूछते हैं कि सब छोड़ दो पूरी कहानी, यू नो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, एंड देन यू पुट अ सिंपल रेड हैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कॉशन, क्योंकि वन कैन फील एनी थिंग, वन कैन फील अरे नहीं करते, वन कैन फील हाँ करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डेंजर्स. तो ये दो हेड का कॉम्बिनेशन इज अ सिंपल टेक्निक. यू कैन इंस्टेड ऑफ इफ यू डोंट वांट टू फॉलो बिग स्टेप्स और बिग प्रोसेस, देयर इज दिस सिंपल टेक्निक यू कैन फॉलो. लाइक यू कैन गो फॉर अ सिंपल रेड हेड, योर हंच, योर इंट्यूशन, योर फीलिंग, एंड देन फॉलोड बाय अ ब्लैंक व्हिच इज कॉशन. देन फाइनल चॉइसेस में इफ यू हैव टू मेनी चॉइसेस, यू कैन थिंक ऑफ, यहाँ पे कुछ है, वी विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल इन दैट, देयर इज अ आइडियल चॉइस, देयर इज अ प्रैक्टिकल चॉइस, एंड देयर इज अ मिनिमल चॉइस, यू कैन थिंक, ठीक है. बट एज आई सेड, द चेकलिस्ट विल गो ऑन एंड ऑन, यू कैन मेक इट वर्क विद वॉट एवर सूट्स यू, विल गिव यू सम आइडिया, ठीक है. सो वी हैव कवर्ड सम थिंकिंग स्ट्रक्चर्स, वील गो इन टू थिंकिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है. लेट्स गो इन टू अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज थिंकिंग प्रिंसिपल्स. नाउ थिंकिंग प्रिंसिपल्स आर, एज आई सेड, 10 to 12 प्रिंसिपल्स हियर, विच विल मेक यू, which will give you a compass of a hallmark of a thinker, which will give you a gauge, a tool to keep it in your toolkit. Whenever you go, whenever you put on a thinking hat, whenever you put on a thinking, whenever you take a thinking challenge, aap jab bhi kuch creative kar rahe hain, visualize kar rahe hain, kisi prototype pe kaam kar rahe hain, you want to solve a real life problem, you are stuck somewhere in any career problem or job related project or anything, you can apply these thinking principles, will guide you. Overall, they will shape your thinking. Okay, so let's see these thinking principles, what are they. So as I said, first principle is always be constructive. So in the beginning I told hallmark of a creative thinker is design plus analysis. So abhi tak kya hota hai, abhi tak hum sirf problem solving karke bolte hain. प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कौन बोलते हैं, जो लोगों को एनालिसिस अच्छा लगता है, दोज हू आर वेरी मच इनटू एनालिटिकल दिस थिंग. बट डिजाइन डेलिबरेटली कोई बोलता नहीं है. डिजाइन के लिए इट्स ऑलवेज वी हैव बीन थिंकिंग, अरे ये हमारा काम ही नहीं है, ये तो ग्राफिक वालों का काम है, ये तो इंटीरियर डिजाइन वालों का काम है ना, ये तो और कुछ बेसिकली डिजाइनर्स होते हैं उनका काम है. बट ऐसा नहीं है, ठीक है. एज वी सॉ इन सो मेनी क्रिएटिव सेशंस दैट थिंकिंग can be deliberate, creative thinking can also be deliberate. So, ek thinking principle, overarching principle hai ye, always be constructive. Because what happens, na? See, whenever you take on a thinking thing,
तो जनरली माइंड टेंड्स टू गेट नेगेटिव बिकॉज ऑफ द एनालिसिस हैबिट. हमें आदत ही है, वर्टिकल थिंकिंग करने की ही आदत है, एनालिटिकल थिंकिंग करने की ही आदत है. तो डेलिबरेटली क्या होगा, जब हम क्रिएटिव थिंकिंग करने बैठते हैं ना, बहुत लोगों के साथ ये होगा जो अप्लाई करेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीपिका और एनी अदर आर्टिस्ट, एनी वन ऑफ यू, व्हेन यू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स, तो क्या होगा, यू विल फाइंड योर माइंड वॉन्डरिंग अगेन एंड अगेन बैक टू द एनालिटिकल. आप बैठेंगे कुछ टेक्निक लेकर के, चलो मैं आइडिया जनरेट करता हूँ, लेकिन माइंड आपका एनालिसिस में जाएगा. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको आदत है अभी तक. तो इसके लिए थोड़ा डिलिबरेट हमें आदत लगाना पड़ेगा. बट वन ओवरआर्किंग प्रिंसिपल दैट कैन हेल्प यू इज ऑलवेज बी कंस्ट्रक्टिव. तो कंस्ट्रक्टिव जब आता है, हमें पता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट वर्ड आता है उसमें, उसमें राइट. तो एनालिसिस से बड़ा है ये. कंस्ट्रक्ट इज नॉट जस्ट एनालिसिस, कंस्ट्रक्ट इज यू वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट, analyze the information and maybe construct out a new way or create a new path. So overarching principle hai, you should always be constructive, because ek alternative lene ke baad hum chup ho jate hain, jaise bataya ki ek, jab tak ek course of action nahi milta tab tak hum haath pair marte hain. Jab ek, jaise hi ek rasta milta hai, hum chup baith jate hain, hame dusre options hain kya ye, then mud ke bhi hum dekhte nahi hai, because of the deliberate analysis habit ki chalo ho gaya abhi kar lo. If it ain't broken, don't fix it. Problem नहीं आता, solve मत करो. तो वो deliberate thinking है. तो आपको constructive principle help करता है. Think slowly. This is another very good principle. कुछ लोग इससे connect करेंगे. कि there are some thinking situations where you have to really go or slowly to silence your mind basically. क्योंकि क्या होता है, mind wants to go fast. एनालिसिस में क्या होता है, फटाफट ए के बाद बी का सी का डी, इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ठीक है फाइनली क्या करना है, तो वो जल्दी से जंप करता है उसमें, है ना. एनालिटिकल में जैसे आप स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं भाग के, फटाफट हिल से नीचे उतर रहे हैं, वैसा रहता है. तो इट रियली वॉन्ट्स टू रीच द ग्राउंड और अ ब्रेकिंग ग्राउंड क्विकली एंड इंस्टेंटली. बट ये प्रिंसिपल क्या करता है, उसको तोड़ता है ये, उस टेक्निक को. तो डेलिबरेटली आप क्या करते हैं, माइंड के टेक्निक्स का यूज करते हैं और थिंक स्लोली करते हैं. You take one problem, फिर आप उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं. चलो इसको मैं 10 सेंटेंसेस को अब लिखता हूँ पहले पूरी प्रॉब्लम, एंड देन फिर एक एक क्वेश्चन, फर्स्ट वाला सेंटेंस या फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेके अब मैं इसको थिंकिंग स्लोली कर देता हूँ. फिर आप और उसमें डीप में जाते हैं और डीप में जाते हैं और डीप में जाते हैं. तो माइंड गिव्स अवे बेसिकली, एंड यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट. Then you start getting some eureka effects. You start getting some new insights. You start getting new solutions to the problem. Hai na? You jump into the gaps. So it's like a meditation only, you can think. It's not direct meditation, but aap meditation ki taraf ja rahe. Towards a fast running train of thoughts, you are deliberately thinking slowly. So ye ek overarching bahut powerful principle hai that can make you a hallmark of a thinker. ये deliberately aap develop kar sakte hai, ye thinking habits. One is being constructive always in your solving problems, in your taking steps and decisions, and one is thinking slowly. Third one, very powerful, making things simple. Is pe, by the way, this is also a very powerful topic. Is pe bhi hum, like, there are some guidelines, we may cover them. But simplicity itself is a very big topic. Making things simplest. In this world, day by day, everything is becoming more complex. Nothing is becoming simple. तो सिंपल की तरफ कोई काम नहीं कर रहा है, ये उल्टा है डायरेक्शन. अभी वर्ल्ड नीड्स दिस बिग टाइम. जैसे मैं बोलता हूँ ना, क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिजाइन थिंकिंग एंड मशीन लर्निंग, ये सब, दिस इज द न्यू फ्यूचर. सिमिलरली सिंप्लिसिटी इज आल्सो द फ्यूचर, क्योंकि अभी तक हम कॉम्प्लेक्स की डायरेक्शन में चल रहे हैं सब चीजों में. तो दिस इज अनदर हॉलमार्क ऑफ अ थिंकर, वेयर यू कैन थिंक ऑफ सिंप्लिसिटी एज अ वैल्यू व्हाइल यू सॉल्व द प्रॉब्लम. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पीपल लव कॉम्प्लेक्सिटी. Not just we when we solve the problems, we, there are other people also who get impressed with the complexity. आप एक line का solution देते हो तो लोगों को लगता है अरे ये क्या है, this इसमें तो कुछ hard work किया ही नहीं होगा. वही आप एक ही चीज को repeat करके 3 पेज में लिख के देते हो तो people को, you know, some people will feel अरे हाँ इस पर बहुत काम किया है, right? But that is not necessarily true. So simple itself, you basically speak for yourself. You keep things simple because they are less cognitive load. They get memorized quickly. And simple things are easy to remember. Simple things are easy to convey. Simple things are easy to understand. Even talk and doodle and do anything. So simplicity is another principle. Very powerful. Okay. Now, fourth one,
ओवरआर्किंग प्रिंसिपल, डिटैच योर ईगो. डिटैच योर ईगो का हमने थोड़ा सा बात किया पहले, आर्ग्यूमेंट्स के सेक्शन में भी टॉक, सिक्स थिंकिंग हैट्स में भी. इट हेल्प्स यू डिटैच योर ईगो फ्रॉम थिंकिंग बाय अप्लाइंग द रेड हैट, फॉर एग्जांपल, दैट यू आर नॉट बीइंग आस्क्ड टू एक्सप्लेन द फीलिंग्स. तो समवन मे नॉट बी हेजिटेंट एनीमोर बिकॉज देयर इज अ ग्राउंड वेर यू कैन ओपनली शेयर योर फीलिंग अबाउट द मीटिंग, अबाउट द आइडिया, अबाउट द प्रोजेक्ट. इट मे बी अ हंच और इंट्यूशन, or it may just be a feeling, but it helps you to not go in the talk of the ego, to not go, basically it helps detach the personal ego with the thinking idea that you get. Theek hai, that this is another principle. Then there is a principle of focus and purpose. To focus and purpose hame kya yaad dilata hai ki at any given time where are you. बेसिकली एट दिस मोमेंट वॉट एम आई ट्राइंग टू डू. हम बहुत सारी चीज़ें शुरू करते हैं, बहुत सारे रूटीन्स हम फॉलो करते हैं, कॉल्स आते हैं, देर आर थिंग्स यू कम्प्लीट, देर आर ईयरली गोल्स, देर आर लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर पीपल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, इन टर्म्स ऑफ किड्स, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, शॉपिंग, बहुत सारे हमारे होते हैं. तो किसी भी चीज़ में हम बीच में है ना. सो दिस इज योर ओवर आर्किंग क्वालिटी. यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, ये फोकस क्या है और पर्पस क्या है. At this moment, what am I trying to do? And what is the focus and purpose of my thinking? You can even sum it up in one question. What is the focus and purpose of my thinking at this moment? So, ye bhi ek overarching principle. Switching gears. Ye bahut powerful hai. Switching gears is also a hallmark of a thinker, of a good thinker. Aap gear switch karte fatafat, right? अटके नहीं रहते एक पे. लाइक सिक्स थिंकिंग हैट्स, आप हैट बदल सकते हैं फटाफट. सिक्स थिंकिंग हैट्स में क्या होता है, चेयर लीडर जो होगा, जो वाइट, जिसको ब्लू हैट का रोल है, वो बोलेगा ओके लेट्स डू वन मिनट ऑफ रेड हैट थिंकिंग. ओके फिर सबके हो गया, देन लेट्स डू 3 मिनट्स ऑफ ग्रीन हैट थिंकिंग. सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर स्विचिंग गियर्स डेलिबरेटली. जनरल थिंकिंग में ऐसा नहीं होता ना. लोग अटक जाते हैं सुई वहीं पे. किसी का ये आर्ग्यूमेंट हो गया तो वो उसी में चला जाता है, राइट. आपका पूरा का पूरा बाकी मीटिंग का टाइम लॉस हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, अच्छा थिंकर बनाती हैं. वी डिटैच द ईगो, वी आर एबल टू स्विच गियर्स. आपको कोई बोलता है कि भैया ये बिल्डिंग तुम पीछे से खड़े हो, तुम जो बोल रहे हो वो भी सही है, इधर से आके देखो मेरे साइड से, तो आप आपका पर्सपेक्टिव दिखाते. जैसे पहले हमने देखा एक डिसएग्रीमेंट वाले सेक्शन. You put down your perceptions. I put, like, these are your perceptions, number one. These are my perceptions, number two. Number three, these are my perceptions as you see them. Let's put them parallel. Jaise values and logic ka bataya. To ye bhi kya hai? Ye bhi switching gears hai. Hai na? Switching gears, ek aur example mein batata hun, broad and detail. Jaise broad concept hota hai kisi cheez ko karne ka. और डिटेल आइडिया टू इम्प्लीमेंट दैट कॉन्सेप्ट, है ना. जैसे प्लांट्स को आपको ये करना है, वाटरिंग करना है, गार्डनिंग करना है, उनको पानी देना है, राइट. तो वाटरिंग द प्लांट्स इज वन कॉन्सेप्ट. नाउ हाउ यू गिव दैट वाटर यूजिंग अ स्प्रिंकलर और यूजिंग अ पाइप और यूजिंग अ नोजल और यूजिंग अ मग, इट्स और यू आर अलाउिंग रेन टू हैपन. दीज आर ऑल एग्जैक्ट थिंग्स टू इम्प्लीमेंट दैट. A detailed way to do it, the idea to be able to execute that concept. So switching gear mein aap kya karte hain, aap broad se detail pe jump kar lete hain, big picture se explicit action step pe dekh pate hain, us pe manan kar pate hain, and then you take yourself back, zoom in zoom out karte hain. Basically zoom in karte hain ek problem pe, pura detail mein jaakar wahan pe dekhte hain, and then zoom out karte hain, you see the big picture also. That is switching gears, going from broad to detail. Hats thinking, switching में भी हम gear switch करते हैं. Logic और creativity का भी यहाँ पे example दिया है. Like knowing when to use logic and when to use creativity, or when to seek just information. This is also switching gears example. तो ये एक overarching principle है ये भी for good thinkers. Then जैसे हमने देखा कि focus and purpose होता है, ऐसे outcome होता है. Outcome क्या होता है? What is the outcome of this? Why do I believe it will work? See, anything, आप कुछ भी हमें विचार आ सकता है ना. We can come up with any idea, we can come up with any thought. But essentially, आपके thinking का value कब होगा? When you know it will work. But typically, we always feel it will work. So I have to
थिंक वाई डू आई बिलीव इट इवन, है ना, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना काफी नहीं है, या मेरे को थॉट आया आइडिया आया उतना काफी नहीं है. यू मे हैव टू जस्टिफाई टू अदर पीपल टू मेक इट इन टू अ एक्चुअल प्रोडक्ट और एक्चुअल थिंकिंग आउटपुट. आप किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं टू मेक इट इन टू अ प्रोडक्ट, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं टू ब्रिंग आउट अनदर सोल्यूशन और अल्टरनेटिव टू सॉल्व. बट वाई डू आई बिलीव दिस विल वर्क. जैसे रेड हैट किया तो आपको एक इंट्यूशन आया, ठीक है, पुटिंग ऑन माई रेड हैट मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा, है ना, बट ठीक है, हंच आया तो आप बता सकते हैं हंच आया, बट अदरवाइज यू कैन शेयर द जस्टिफिकेशन, यू कैन थिंक ऑफ द जस्टिफिकेशन व्हाई डू आई थिंक इट विल वर्क. दिस इज अनदर हॉलमार्क. ये आपको बहुत डीपर ले जाता है. कुछ ही किसी को ऐसा लगेगा यहाँ पे कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल लग सकता है और सिंपल है भी, बट ये बहुत गहरे जाते हैं प्रिंसिपल्स. क्योंकि हमें क्या लगता है कि ये देखो क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, अवेयरनेस बढ़ जाती है. तो आप थिंकिंग में जब होते हैं तो काफ़ी हम डेप्थ में जाके या फिर इमोशन में जाके या फिर ईगो में जाके, जैसे बताया इमोशंस ग्रीड एंड फियर ड्राइव करते हैं आपके 90% डिसीजन. तो आउटकम के बारे में अगर सोचा ही नहीं है या इम्पैक्ट के बारे में सोचा ही नहीं है तो टिपिकली योर थिंकिंग इज इनकम्प्लीट. तो दीज प्रिंसिपल्स विल हेल्प अस. थिंकिंग टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, स्ट्रक्चर्स, ये सब क्यों हैं, ये सब हेल्प करने के लिए. Whenever you are stuck, you can follow some of these ideas. जो आपको उसमें से बैठता है वो आप यूज कर सकते हैं. What is the outcome याद दिलाता है कि भैया इसका क्या फायदा होगा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये टास्क पे हम क्यों बैठे थे, what, why are we here? सब मीटिंग रूम में आ गए, सबने सबको बुला लिया, लेकिन 20-25 लोग इकट्ठे हो गए लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है क्या करना है. सब पूछ रहे हैं एक दूसरे से क्या करना है. सो वॉट इज द आउटकम, है ना, क्या हो रहा है, क्या एजेंडा क्या है पहले तो, एंड देन एजेंडा है तो फिर आउटकम क्या है. व्हाई डू आई बिलीव इट विल वर्क. देन इमोशंस एंड फीलिंग्स, दे हैव अ प्लेस इन डिसीजन मेकिंग, दे हैव अ प्लेस इन थिंकिंग, बट द प्लेस इज आफ्टर द एक्सप्लोरेशन एंड नॉट बिफोर, दैट इज द की पॉइंट. तो इमोशंस एंड फीलिंग्स का है रेड हैट है, थिंकिंग में भी उसका स्पेस है. जैसे हमने समझा कि डिसीजंस भी इमोशंस ड्राइव करते हैं, है ना, तो प्लेस तो है उसका डेफिनेटली. इमोशंस के बिना कोई आपको बोलेगा अरे आपका सारा इमोशन बाजू में रख दो फिर डिसीजन लो, ऐसा नहीं बोल ये है, राइट, बेसिकली डोंट गेट मी रॉन्ग. सो इमोशंस एंड फीलिंग्स विल हैव ऑलवेज हैव अ स्पेस इन डिसीजन मेकिंग, बट देयर प्लेस इज आफ्टर द एक्सप्लोरेशन. सो वंस यू डू द एक्सप्लोरेशन, वंस यू डू द अल्टरनेटिव्स, देन यू आर इन अ बेटर कंट्रोल. तो उसके बाद आप हंच पे भी वो डिसीजन लेते हैं, यू आर फार बेटर ऑफ बिकॉज यू नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑल्सो, यू नो द अदर ऑल्टरनेट. ऑलवेज लुक फॉर अल्टरनेटिव्स, इस पे यू नो वी कैनॉट स्ट्रेस एनफ. इस पे पहले भी हमने देखा ऑल्टरनेटिव्स पे कुछ अ लिटिल बिट ऑफ पॉइंट्स. रिमेंबर दिस इज ओवर आर्किंग प्रिंसिपल ऑल्सो, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, कि आप किसी भी चीज में है, कहीं पे भी है, डॉक्टर का मैटर हो या शॉपिंग का मैटर, जस्ट लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स. इफ द डिसीजन इज इंपॉर्टेंट, लुक फॉर, जैसे हम सेकेंड ओपिनियन बोलते हैं, राइट, सिमिलरली इन केस ऑफ सेकेंड ओपिनियन जस्ट गो फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ओपिनियंस इन केस ऑफ अदर डिसीजंस आल्सो, इन केस ऑफ बिजनेस आल्सो, लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स बिकॉज देयर आर ऑलवेज, राइट, वी स्टॉप टू लुक फॉर देम डजंट मीन दे आर नॉट एग्जिस्टिंग. जैसे हमने पहले देखा कि वी स्टार्ट विद टिपिकली पोजिशन ए विच इज आई हैव नो आइडिया, किसी भी सिचुएशन में आते हैं तो वहीं से शुरू होता है. फिर यू हैव वन कोर्स ऑफ एक्शन एंड देन यू हैव मोर कोर्सेज ऑफ एक्शन इफ वी कीप ट्राइंग इन. ये हमने ऑलरेडी देखा ब्रॉड एंड डिटेल वाला कॉन्सेप्ट, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी. हॉलमार्क ऑफ अ थिंकर, स्विचिंग गियर्स में हमने इसको कवर कर लिया कि मूव बैक एंड फोर्थ फ्रॉम ब्रॉड टू डिटेल आइडिया, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे फिर आइडिया पे जाएंगे फिर जंप बैक देन गोइंग बैक, मैक्रो माइक्रो, मैक्रो माइक्रो, ठीक है, जूम इन जूम आउट, डिफरिंग व्यूज बेस्ड ऑन डिफरिंग परसेप्शन, ये एक अनदर प्रिंसिपल है. ये हमें बताता है कि आप जब डिसएग्रीमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो सामने वाले का सिर्फ परसेप्शन अलग होता है. ही मे बी सीइंग द प्रॉब्लम और द बिल्डिंग फ्रॉम द अनदर साइड. सो डिफरिंग व्यूज आर बेस्ड ऑन डिफरेंट परसेप्शन. तो अगर कोई व्यूज किसी के अलग हैं, आर्ग्यूमेंट होता है जैसे बताया, तो परसेप्शन अलग अलग होने की वजह से होता है. तो वॉट यू कैन डू, यू कैन रिकॉन्साइल दैट. So this is just an understanding principle that whenever you know that the other person's perception is different, hence his view is different or statement was different, then you will have a better way of putting on his or her shoes, empathize. Does it follow? Does it follow is a overarching principle
it means whatever you are doing, you have a decision to make. You have a, जैसे हमने पीछे ये वाला देखा था, कौन सा था, what is the outcome, right? Why do I believe it will work? Similarly, does it follow? Does it follow with the logic? Does it follow for me? जो मैं करने जा रहा हूँ, does it follow? मतलब, is this really going to work? This is one overarching question. You can call it must it follow or does it follow? Then there is one of consequences. जैसे impact का बताया, you, आप जो भी decisions ले रहे हैं और whatever tasks you are solving, उनके जो भी solutions आप निकाल रहे हैं, तो उनके consequences क्या होंगे? ठीक है? किसी को लग सकता है यहाँ पे भी, कह रहे ये सब decisions पे नहीं apply होगा. Apply तो सब decisions पे होगा, but consequences अलग अलग लोगों पर होंगे, अलग अलग जगह पर होंगे. For example, school से related decision है, तो study पर influence होगा, consequence होगा उसका. अगर exam दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कौन सा school choose. अगर business का कुछ decision है, तो business पे उसका consequence आएगा. है ना, family का decision है, तो family पे उसको consequences face करने पड़ेंगे. All the family members. So don't think consequences are not there. Consequences are always there. But we don't think of that. क्यों इतना सारा crime होता है पता है क्या? Criminals ज्यादा है ऐसा नहीं है. Consequences नहीं सोचते हैं लोग. That is the only thing. It's very simple. Criminal को हम पूछते हैं, इतने सारे interviews हुए हैं, उनको पूछते हैं, अरे इतना बड़ा crime तुमने कर दिया, you don't have a background of crime. वो बोला, I didn't think of consequences. तो इट्स अ वेरी वेरी मतलब डोंट टेक इट लाइटली. आप कोई भी डिसीजन लेते हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेज आप जस्ट इफ यू इवन बेयर टू थिंक ऑफ देम इन फॉर फ्यू मिनट्स योर डिसीजन मे चेंज कम्प्लीटली. तो इट्स वेरी पावरफुल. जस्ट कीप इट एज अ इन योर टूल किट वन ऑफ द प्रिंसिपल्स. ग्रेट. थैंक यू ऑल. टेक केयर. बाय.